बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको मछली धोने का तरीका पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगी कि किस स्टेप बाय स्टेप के किस किस तरह मछली धोई जाती है और किस तरह उसको संभालना है। और फिर उसके बाद फिर मैं मैरिनेशन का भी तरीका बता दूंगी। मैरिनेशन करके आप फ्रीज़ कर लें या उसको उसी वक्त बना लें, या जब मेहमान आए फिर फ्रीज़ की हुई मैरिनेशन मैरिनेट हुई हुई होगी, फिर आप उसको फ्राई करके मेहमानों के आगे पेश कर सकती हैं या घर के लिए पका सकती हैं। तो चले मैं आपको इन डिटेल मछली को किस तरह हमने धोना है तो हम अपने स्टेप बाय स्टेप मैं उस तरीके से आपको बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है जी, तो व्यूअर सबसे पहला स्टेप ये है कि कोई भी बर्तन आप ले लें और उसके अंदर अपनी फ़िश जो आई हुई है उसको डुबो दें। नीम गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अंदर 2-3 या हाफ कप वाइट विनीगर कोई किसी भी ब्रांड का आप डाल के और उसको जो है ना आप डुबो के रख सकती हैं। अब ये मैंने नीम गर्म पानी में फ़िश को डुबो के रखा है। अब और उसके बाद हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। बेटे वो ले एक पानी, इसको मलो ज़रा। अब हमने ये आधा घंटा ये फिश डूबी रही है विनेगर वाले पानी में, और उसके बाद हमने इसको पानी में से निकाल लेना है, पानी फेंक देना है। चलो पानी फेंक दो। चले अब इसके ऊपर खुश्क आटा, खुश्क आटा जो है ना वो आप 1 कप ले लें अच्छी तरह से जो है ना। विनेगर में अगर आप चाहें तो नमक भी डाल सकती हैं, नमक डाल लें। और हाँ जी, ये आटा इसके ऊपर स्प्रे करें 1 कप खुश्क आटा, टुकड़ों को हिला लें, पलट लें, अलट पलट लें टुकड़ों को, पानी अच्छी तरह निकालें। उसके बाद ये आटा खुश्क आटा अब एक एक टुकड़ा पकड़ कर मल मल के एक साइड पे रखती जाएं, आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छी तरह से। आप बेसन ले सकती हैं, आटा ले सकती हैं, कोई भी फ्लोर लेके उससे अच्छी तरह से भी मछली के ऊपर जो चिकनाहट होती है पानी में रहने की वजह से, कहते हैं ना मछली की तरह फिसल गया हाथों से, जो जो फिसलन होती है वो इस आटा लगाने से, हमारी कई कहावतें हैं ना कि मछली को हाथ में पकड़ो तो फिसल जाती है, तो उसको दूर करने के लिए ये आटा आपने अच्छी तरह से मल देना है। एक 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 पीस को उठाएं और आटा मलते रहें। जी अब पानी डालें और फिर इसको थोड़ा सा मलें। व्यूवर्स कोशिश करें कि ये जो आटे वाला पानी है ये गटर रिसीवर लाइन में ना जाए, रिस्क है, अल्लाह ताला का रिस्क, उसने हमें अता किया हुआ है। चलो हाँ, उस बर्तन में निकाल दो। इसी तरह से ये अमल 2-3 दफ़ा करेंगे तो आपकी फिश साफ़ हो जाएगी। इकट्ठा धो लो। ये तो व्यूअर्स एक कढ़ाई में पानी ले लें, फिश को उसमें डुबोएं और कुछ देर के लिए 20 से 25 सेकेंड के लिए
और इस तरीके से स्किन रिमूव हो जाएगी। ये देखें, ये देखें रिमूव हो रही। आप इसी तरह वन बाय वन याद रहे कि आपने स्किन वाली तरफ से नीचे डुबोना है। ये देखें, इसी तरीके से आप एक एक करके ये देखें आसानी पूरी फिश की स्किन रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप बासानी सारी फिश की। स्किन रिमूव हो गई। अब ऐसे ऐसे कर इसी अमल से मैं सारी फिश की स्किन रिमूव कर लूँगी। जी तो व्यूवर्स, हमारी मछली पूरी मछली को मैंने स्किन से स्किन उतार ली है। आप देखें कितनी फ्रेश और साफ लग रही है। इसकी इसकी मैरिनेशन के लिए जो अब हमें चाहिए चाहिए 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, अजवाइन कुटी हुई 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और मछली मसाला पाउडर किसी भी ब्रांड का ले लें वो 1.5 टेबल स्पून। 2 अदद मैंने लीमू लिए हैं, या आप लीमू का रस ले सकते हैं या आप सिरका ले सकते हैं 5 से 6 चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके, या दही भी शामिल कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसकी मैरिनेशन हो जाएगी और फिर मैं उसको फ्रीज़ कर लूँगी। जी तो व्यूवर्स, मछली की मैरिनेशन हो चुकी है। मैंने इसके अंदर नमक यूज़ नहीं किया, आप नोट कर रहे होंगे। नमक इस मछली के ऊपर लगा हुआ था। आप हसबे ज़ायका 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर सकते हैं। आप इसको किसी ट्रे में ऐसे बिछा के आप एक रात के लिए फ्रीज़ कर लें। ये अलहदा अलहदा सारे टुकड़े फ्रीज़ हो जाएंगे। फिर जब आपको ज़रूरत हो, कोई मेहमान आए, इसको उसमें के बैटर में, बेसन के बैटर में ऊपर छिड़क दें मैदा और बेसन, और इसे डीप फ्राई करें या वैसे पकाएं, आपकी मर्ज़ी है। बस ये मैंने आपको मछली को साफ़ करने का और मैरिनेशन का तरीका बताया है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।